कहा जाता है कि दुनिया में मौजूद हर चीज बदलती है और कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारी पृथ्वी है, जो वक्त के साथ कई फेज में बदली और आज इसी वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया। इतिहास गवाह है कि कई अरबों साल पहले हमारे सौरमंडल की तस्वीर काफी अलग थी। आज के समय में इंसान पृथ्वी से दूर जाकर सौरमंडल के बाकी ग्रहों के बारे में पता लगाना चाहता है, बिना ये महसूस किए कि ये ग्रह कितना अच्छा है। हम जीवन की तलाश में अपने पड़ोसी ग्रहों का दरवाजा खटखटाते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी झोली में जीवन का समर्थन करने के कितने चांसेस हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। आजकल वैज्ञानिकों का सारा ध्यान मंगल की ओर है, जबकि शुक्र भी एक अच्छा विकल्प बनकर हमारे सामने आता है। इस ग्रह का आकार और मास पृथ्वी से मेल खाता है। ये पृथ्वी से ज्यादा करीब है और मंगल की तुलना में ज्यादा गर्म है, तो हम लाल ग्रह के बजाय अपनी ट्विन सिस्टर वीनस पर जाने की कोशिश क्यों नहीं करते। वीनस पर न जाने का कारण इसके नर्क जैसा होना है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वीनस हमारे सौरमंडल में दूसरे स्थान पर काबिज है। ऐसे में सूरज के पास होने के अपने अलग ही परिणाम होते हैं। इसके वातावरण से अगर शुरुआत करें तो कई परतें खुलकर हमारे सामने आती हैं। वीनस की सतह की औसत आयु लगभग 4.5 बिलियन साल है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एटमॉस्फेयर काफी मोटा है। साथ ही सतह पर ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। ये दबाव इतना है जितना कि हम समुद्र में 1 मील नीचे महसूस करते हैं। यानी आम भाषा में कहा जाए तो वीनस की सतह पर आपको मूव करने के लिए स्विम करने की जरूरत पड़ेगी। वीनस के वातावरण में केवल 4% नाइट्रोजन है, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। और इन सब के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादल हैं। इस ग्रह पर बनने वाले सल्फ्यूरिक एसिड वाले बादल हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं और इसी के कारण वीनस चमकता हुआ लगता है। वीनस के मोटे एटमॉस्फेयर और रिफ्लेक्टिव बादल के चलते इसकी सतह पर 3% से भी कम रोशनी पहुंचती है, जिसका मतलब है कि आप इसकी सतह पर केवल दिन और रात के बीच का अंतर ही बता पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि सूरज की रोशनी की कमी के बावजूद वीनस पर औसत तापमान 370 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है, जो कि लैड को पिघला सकता है। कुछ स्थानों जैसे इसकी गहरी घाटियों में तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जमीन लाल रंग में चमकने लगती है। वीनस के रोटेशन की बात करें तो ये प्लैनेट बैकवर्ड रोटेट करता है, जिसके चलते इस पर सूरज पश्चिम से उगता हुआ और पूर्व में ढलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा वीनस के पास एक समय में टेक्टोनिक प्लेट्स हुआ करती थी, जो कि अब लॉक हो गईं और साथ ही में इसका क्रस्ट भी लॉक हो गया। ऐसे में वीनस की ये स्थिति हमारे दिमाग में सवाल पैदा करती है कि ये ग्रह नर्क जैसा कैसे हो गया, जबकि दिखने में ये पृथ्वी जैसा लगता है। वीनस काफी कुछ उसी स्टफ से बना है जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ग्रह प्राचीन समय में काफी कुछ हैबिटेबल ग्रह जैसा था और इस ग्रह की सतह पर काफी मात्रा में पानी होने के साथ साथ वातावरण में फ्लफी बादल थे। 4.5 बिलियन साल पहले का समय था, जब सूर्य का आकार छोटा था और ये काफी डिम था। फिर जैसे जैसे हमारे सूरज की उम्र बढ़ती गई और वो लगातार तेज होता गया, जिसके कारण वीनस पर मौजूद हैबिटेबल जोन में लगातार बदलाव आए। सूरज के बढ़ते तापमान का वीनस पर गहरा प्रभाव पड़ा। आखिरकार परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वीनस के सभी समुद्र और महासागर इवेपोरेट हो गए। एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में वाटर वेपर के बनने का नतीजा ये हुआ कि वीनस ने ग्रीन हाउस कंडीशन में प्रवेश किया। इस स्थिति में ग्रह पर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, जिसके बाद वीनस कभी इस स्थिति से उभर कर बाहर नहीं आ पाया। जो लिक्विड वीनस की सतह पर मौजूद थी उसने टेक्टोनिक प्लेट को फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश की, लेकिन आधे से ज्यादा समुद्रों के इवेपोरेट होने के कारण बचा हुआ लिक्विड भी जल्द खत्म हो गया। महासागरों के बिना प्लेट की एक्टिविटी ने सरफेस को एक ही स्थान पर लॉक कर दिया। बता दें कि टेक्टोनिक प्लेट कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में रेगुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाती है। दरअसल शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड डर्ट और रॉक के साथ बाइंड हो जाते हैं और वे डर्ट और चट्टाने लाखों वर्षों के दौरान सतह के नीचे दफन हो जाती हैं, क्योंकि प्लेटें खुद को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ती हैं और एक दूसरे के नीचे दब जाती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के बिना कार्बन डाइऑक्साइड डर्ट और रॉक के साथ बाइंड होती है, जो धीरे धीरे वॉल्केनिक इवेंट्स को जन्म देती है। इसलिए महासागरों के इवेपोरेट हो जाने के बाद
शुक्र पर कार्बन की समस्या और भी बदतर हो गई। समय के साथ वायुमंडल में मौजूद वाटर वेपर पर सूर्य के प्रकाश की चपेट में आ गया, जिसके चलते सारा हाइड्रोजन अंतरिक्ष में चला गया और सारा मास कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा रिप्लेस हो गया। जैसे जैसे वातावरण मोटा होता गया, सतह पर स्थितियां नर्क में बदलती चली गईं। इस एटमॉस्फेयर ने वीनस की रोटेशन पर भी प्रभाव डाला, जिसके कारण वीनस की गति धीमी होती चली गई। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हुई जिसमें शायद 100 मिलियन साल लगे, उसके बाद वीनस पर जीवन की सभी संभावनाएं खत्म हो गईं। इस कहानी की सबसे बुरी बात यह है कि वीनस ने जो देखा, पृथ्वी की किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी गतिविधियों से इस प्रक्रिया को और भी तेज कर रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, हमारा सूरज और भी बड़ा होता जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि पृथ्वी हैबिटेबल जोन से बाहर हो जाएगी। अगले 100 मिलियन सालों के भीतर पृथ्वी हैबिटेबल जोन के इंटरनल एज पर पहुंच जाएगी। हमारे महासागर एवेपोरेट हो जाएंगे और पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में टेक्टोनिक प्लेट्स लॉक हो जाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में डंप हो जाएगी। इन सभी एक्टिविटीज का प्रभाव ये होगा कि हमारी पृथ्वी भी नर्क में तब्दील हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।